सो गाइस, इंटरनेट जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है सरफेस वेब, जो हम लोग एक्सेस करते हैं, और दूसरा होता है डार्क वेब, जो हैकर्स एक्सेस करते हैं। सो भैया, घुमा फिरा के बात तो ये आती है कि सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब, ये होता क्या है। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सिडटॉक। सो गाइस, सबसे पहली बात, जो इंटरनेट हम लोग एक्सेस करते हैं, जिसको और हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ये तीन टाइप से डिवाइडेड है। पहला होता है सरफेस वेब, जो हम लोग एक्सेस करते हैं, जो कि सिर्फ 4% है पूरे इंटरनेट का। और जो दूसरा होता है वो होता है डीप वेब, और तीसरा होता है डार्क वेब। और डार्क वेब के नाम पे आपको बहुत डराया जाएगा, बताया जाएगा कि मत जाओ वहां पे, वहां जाने का रास्ता भी इवन आपको नहीं पता होगा। बट अभी आगे बताऊंगा आपको इन तीनों में डिफरेंस क्या है और डार्क वेब आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, जो चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं गूगल में सर्च करके, याहू में सर्च करके। मान लो मुझे कोई वेबसाइट विजिट करना है, तो मैं गूगल में सर्च करूंगा, वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, मैं एक्सेस कर लूंगा। तो जो इंटरनेट है वो अलग अलग वेबसाइट्स का भंडार है, और ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ये हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब कोई हमको बता दे कि इस वेबसाइट पे ये मिलेगा। सो गाइस, जो सर्च में हमको वेबसाइट के लिंक्स आते हैं, ये है सरफेस वेब, जो कि हम डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हैं। अब जो डीप वेब होता है, वो ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपको गूगल में नहीं मिलेंगे। मान लो कोई मिलिट्री है, कोई बैंक की साइट है, या इवन mera.com है, sidtalk.com है, इसमें मैंने स्लैश करके एक ऐसा लिंक बना दिया जो आपको सर्च में नहीं मिलेगा। मैंने मना कर दिया गूगल को कि इंडेक्स मत करो, किसी को मत बताओ, मैं सिर्फ वो लिंक इतने ही लोगों को दूंगा जितने लोगों को मुझे देना है। तो वो जो लोग हैं, वो जब वो एक्सेस करेंगे, तो वो ये बोल सकते हैं, हाँ बॉस, ये लिंक सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। तो वो हो गया डीप वेब। तो देखो, सरफेस वेब हम लोग एक्सेस करते हैं, जो कि 4% है। डीप वेब ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे, आपको कोई बता देगा, आप डायरेक्टली जाके एक्सेस करोगे, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, आप एक्सेस करोगे। ये होता है डीप वेब, जो कि आपसे छुपा के रखते हैं, सब लोगों से छुपा के रखते हैं। तो बहुत सारी बैंकिंग साइट्स हैं, ऐसे लिंक्स छुपा के रखती हैं। अब जो तीसरा होता है, जिसके चक्कर में पूरी दुनिया आपको डराती रहती है, वो होता है डार्क वेब। अब ये जो डार्क वेब है, ये कैसे एक्सेस होता है? ये हमारे नॉर्मल ब्राउजर से, नॉर्मल ISP से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब जो कनेक्शन हमारे पास है, हमारे मोबाइल में है, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, जो भी है, उससे हम गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके, मोजिला में जाके, ओपेरा में जाके, UC ब्राउजर में जाके, वो वेबसाइट्स हम विजिट नहीं कर सकते। उनको वेबसाइट को विजिट करने का एक अलग तरीका है, जो कि अभी मैं बताऊंगा आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके। बट वो जो तरीका है, वो ऐसा है कि आपका ISP ही यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग से ISP, अलग से लाइन बिछानी पड़ेगी, अलग से सिम आती है। जो नेट आप यूज़ करते हो, उसी का यूज़ करके कुछ टेक्नोलॉजिकल तरीके से, एल्गोरिथम के तरीके से, इंक्रिप्शन के तरीके से, ऑनियन राउटिंग के तरीके से, उन वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जो वेबसाइट होती है, जो डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते, ना तो वो गूगल में मिलेंगी, इवन आप ब्राउजर पे टाइप करके भी उनको एक्सेस नहीं कर सकते, वो वेबसाइट को कहते हैं डार्क वेब। सो गाइस, घुमा फिरा के बोलूं तो, मान लो ये इंटरनेट है, इसके अंदर आप मान लो दो डिवीजन है, एक है आपका सरफेस वेब, एक है डीप वेब। डीप वेब वो लिंक्स जो कि आपको जब मिलेंगे तभी एक्सेस कर पाओगे। तो अब ये जो डीप वेब है, इसके अंदर एक सबसेट होता है, मतलब डीप वेब के नीचे एक हायरार्की में एक और चीज होती है, जिसको कहते हैं डार्क वेब, जो कि लिंक्स ऐसे ही हैं जो सबको नहीं मिलेंगे। लेकिन अब ये जो लिंक्स हैं, ये आप ब्राउजर पे भी नहीं खोल सकते, इसके लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए, जिसका नाम है टॉर। सो कुछ दिन पहले मैंने दो वीडियोस बनाए थे, जिसमें आपको बताया था कि जो गूगल है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, फेसबुक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, तो आपकी प्राइवेसी ही नहीं है अगर आप इंटरनेट चलाते हो। सो एक ओपन सोर्स कम्युनिटी बनी, जो कि बोल रहा था कि आपको प्राइवेट तरीके से सारी वेबसाइट्स विजिट करवाएगा, जिसके थ्रू होता यह है, जैसे हमें कोई वेबसाइट विजिट करना है तो हम एक VPN खरीद लेते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो खरीदने के बाद उसके थ्रू करते हैं। तो इससे अच्छी बात ये हो जाती है, गवर्नमेंट एजेंसीज, हमारे ISP, एयरटेल, वोडाफोन, इन लोगों को पता नहीं चलता हमने कौन सी साइट विजिट करी, बट जहां का VPN हमने लिया उसको पता है। तो ऑनियन राउटिंग में क्या होता है, बहुत सारे VPNs होते हैं। मान लो एक VPN A है, B है, C है, D है, ऐसे करके लाइन लगी हुई है। अब मुझे google.com विजिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर टॉर के थ्रू मैं विजिट करूंगा, तो google.com पहले जाएगा VPN नंबर A पे, फिर B पे, फिर C पे, 4 पे, ऐसे करके Z तक चला जाएगा, वो बहुत सारी जगह, उसके बाद लास्ट में जाके जब google.com खुलेगा, तो जब गूगल देखेगा ये कौन हो भाई, तो उसको पता चलेगा वो Z नंबर का है, Z को पता चलेगा Y वाला है। ऐसे करके बहुत सारे VPN यूज करते हैं, जिसको कहते हैं ऑनलाइन राउटिंग, जो कि फिक्स नहीं होते किसके बाद किसको यूज करना है, एक तरह से रूटिंग बन जाती है। तो उसको ट्रैक करना, वापस से बैक ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप खुद के बहुत सारे VPN खरीद सकते हो, 10-20, और एक के बाद VPNs यूज़ करके लास्ट में जाके आप वो वेबसाइट विजिट कर सकते हो। पर इससे होता क्या है कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है, जो आप स्ट्रीम कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, वेबसाइट विजिट कर रहे हो, तो इतने सारे सर्वर से घूम के आपके पास आएगी। तो इससे होगा ये कि आपकी कनेक्शन का टाइम आउट हो जाएगा। तो ये जो टॉर है, इसमें यही होता है, आप जो वेबसाइट विजिट करते हो, उसके अंदर पहले से उनके पास लिस्ट है बहुत सारी VPNs की, जो कि यूज़ करते हैं, और हर बार, हर 15 मिनट में, थोड़ी देर में आपकी IP चेंज होती जाती है, क्योंकि आप जो
वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो वो जो है वो एक तरीके से अलग अलग वीपीएन के थ्रू जाएगी। तो अब ये जो टॉर है ये अपन समझते हैं लाइव डेमोंस्ट्रेशन में। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं, टॉर के अंदर कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो होती हैं डॉट ऑनियन करके। ये वेबसाइट्स वैसी हैं जैसे डॉट कॉम है, डॉट इन है, बट ये डॉट कॉम डॉट इन वेबसाइट तो आप गूगल क्रोम से खोल सकते हो, बट जो डॉट ऑनियन वेबसाइट्स है ये सिर्फ खुलेगी टॉर के अंदर। अब ये टॉर के अंदर खुलेगी इसका मतलब ये प्राइवेट हो गया, और इवन जो वेबसाइट विजिट कर रहा है उसकी आइडेंटिटी भी छुप गई, मतलब जो विजिट कर रहा है वो अलग अलग वीपीएन के थ्रू कर रहा है। और जो जहां पे साइट होस्टेड है वो भी बताऊंगा, साइट होस्ट कैसे होती है डॉट ऑनियन, आप खुद का कैसे बना सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। तो ये जो वेबसाइट एक तरह से पूरा अनोनमस है, कौन वेबसाइट विजिट कर रहा है और किसकी वेबसाइट है, और कोई इसको ट्रैक भी नहीं कर सकता कि ये कौन लोग हैं। सो इसी चीज का यूज करके बहुत सारी इलीगल साइट्स बनी है डॉट ऑनियन करके, जो कि सिर्फ टॉर में चलेगी, जिसकी वजह से बोला जाता है डार्क वेब एक्सेस मत करो, बहुत इलीगल है। क्योंकि आप किसी एक वेबसाइट पे चले गए, क्या पता वो वेबसाइट आप ही को हैक कर ले, आपके सॉफ्टवेयर में आपके कंप्यूटर में कुछ चीजें इंस्टॉल कर दे, कुछ भी कर ले, ये कर दे वो कर दे, क्योंकि पूरी तरह अनोनमस है। इसलिए बोला जाता है संभल के धीरे से इलीगल साइटों को विजिट ना करें, क्योंकि यहां पे ड्रग्स भी बेचते हैं, जितने इलीगल काम होते हैं ऑनलाइन सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएंगे। बट यही है सजेशन मेरा भी कि ऐसी वेबसाइट आप विजिट ना करें। टॉर जो बना है वो पूरी तरह लीगल है, आप चला भी सकते हो। इवन इसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो गूगल खुद है, यूएस गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया, तो जिसके स्पॉन्सर्स हैं वो हम लोग ही हैं, पूरा ओपन सोर्स है, सारा कोड ओपन है। बट टॉर के अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं जो बनती हैं वो एक तरह से अनोनमस, और वो वेबसाइट के अंदर क्या कर रहे हो, जैसे कोई पायरेटेड मूवी आई, आपने अगर डॉट कॉम पर कोई वेबसाइट बना दी आपको कंप्लेंट आ जाएगी, आपकी वेब होस्टिंग बंद हो जाएगी, वेबसाइट बंद हो जाएगी। बट ऑनियन में ऐसा नहीं होता, ऑनियन में क्या होता है, ये जो वेबसाइट होती है वो आप ही के कंप्यूटर पर होस्टेड रहती है, और आपके कंप्यूटर पर आप टॉर चलाते हो, तो जिस तरह आप टोरेंट से जो है फाइलें डाउनलोड करते हो, आपके कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर में डायरेक्ट डाउनलोड होती है, उसी तरह ये जो है वेबसाइट्स ये होस्टेड रहती है उन्हीं के कंप्यूटर में, हैकरों के कंप्यूटर में, और वो लोग एक वेबसाइट बना देते हैं जो कि टॉर के थ्रू ही एक्सेस हो सकती है। अब इसको कोई बंद नहीं करा सकता, तो इसमें इलीगल चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है ये जो डार्क वेब है इसके अंदर जो वेबसाइट्स हैं उल्टी सीधी जो ऑनियन के करके हैं इनको विजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार फंस गए तो हो सकता है जो गूगल क्रोम आपको बचा लेता उस वेबसाइट को विजिट करके, आप फंस जाओगे, ये वेबसाइट विजिट करके खुद ही हैक हो जाओगे। तो चलो अब ये सारी बातें हो गई थ्योरी की, अब मैं आपको बताता हूं लाइव डेमोंस्ट्रेशन में कैसे टॉर डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और कैसे खुद का डॉट ऑनियन वेबसाइट आप बना सकते हो आप ही के कंप्यूटर को एज अ वेब सर्वर बना के। तो यहां पे डोमेन भी फ्री है, होस्टिंग भी फ्री है, कैसे चलो देखते हैं। सो गाइस अगर आप गूगल पे आते हैं और लिखते हैं TOR, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये है torproject.org, जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है टॉर की। और कृपया करके अगर टॉर डाउनलोड करना है तो इसी वेबसाइट से करें, जितनी फर्जी वेबसाइट है उसमें वायरसेस आपको मिल जाएंगे, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही टॉर डाउनलोड करें। अब यहाँ पे डाउनलोड टॉर ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ उनके होम पेज पे इन्हें लिखा क्या है। तो इन्हें बोला है कि प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ बनाई गई, ताकि दूसरे लोग आपकी रियल आइडेंटिटी पता नहीं कर पाए, इससे आपकी जो ब्राउजिंग हैबिट्स है वो पता नहीं चल पाएगी, आपकी लोकेशन पता नहीं चल पाएगी जो भी आप वेबसाइट्स विजिट करेंगे। तो अभी जैसे ये डाउनलोड होता है इसी तरह फेसबुक ने भी अपना टॉर ब्राउजर के अंदर एक डोमेन बनाया है, facebook.co.onion, जो कि सिर्फ टॉर के अंदर ही खुलेगा। ये डोमेन बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें करी और इवन इसके अंदर बहुत सारे हिट्स भी आए। तो आजकल लोग फेसबुक इसके थ्रू चलाते हैं, बट ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वीपीएन आप यूज कर रहे हो क्या पता वो आपकी आईडी पासवर्ड ही ले ले फेसबुक का। तो गाइस देखिए टॉर ब्राउजर जो है वो हमारे पास आ गया है, तो 50 MB की फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि ये रन होगा, उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट होगा। तो आपको ये एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये बोल रहा है आपको एक्सट्रैक्ट कहां पे करना है। सो गाइस मैंने बता दिया कि इसी फोल्डर के अंदर आप एक्सट्रैक्ट कर दो। आप जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिकली एक नया फोल्डर आएगा जिसके अंदर पूरा जो टॉर है वो जो है वो इंस्टॉल होगा, एक्सट्रैक्ट होगा। अब जैसे ही फाइनल स्टेप आएगी इसके बाद बोलेगा रन करिए, ऐड टू मेन्यू करिए, आप फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वो टॉर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो टॉर है अलग अलग वीपीएन यूज करता है, तो यही वीपीएन कनेक्ट करने की बात आ रही है। ये बोल रहा है कि आप कॉन्फिगर के थ्रू चीजें कर सकते हो या फिर सिंपल कनेक्ट पे क्लिक करो। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो भी इनके पास अभी वीपीएन होंगे अवेलेबल नेटवर्क में वो आपको लाके दे देगा, और मोज़िला टाइप का एक ब्राउजर खुलेगा जिसको कहते हैं टॉर, जिसके अंदर आप जितनी वेबसाइट आप विजिट करेंगे सब कुछ ऑनियन रूटिंग के थ्रू होगा, आपकी रियल आईपी जाएगी ही नहीं। जैसे यहां पे देखिए ये खुल गया है, इसने बोल दिया वेलकम टू टॉर ब्राउजर, ये बोल रहा है टेस्ट फॉर नेटवर्क सेटिंग। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आईपी क्या बता रहा है, ये आईपी 94 वाली बता रहा है। ये आईपी कहां की आपको पता करना है तो आप गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये आईपी आपकी पर्सनल आईपी नहीं है। ये टेस्ट करने के लिए आप यहां पे आ जाइए गूगल, जो ओरिजिनल हमारा गूगल क्रोम है, यहां पे हम लिख देते हैं व्हाट्स माय आईपी।
सो गाइस, ये जो आईपी है मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस है, लेकिन जो टॉर ने मुझे आईपी दिखाई है ये इसके अंदर की आईपी। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और मैं सर्च करूँ कि भाई ये आईपी है कौन सी कंट्री की, तो मुझे पता चल जाएगा टॉर से जो चीज़ मैं एक्सेस करने वाला हूँ वो इस कंट्री के थ्रू जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ अननोन है, यहाँ पे ISP दिख गया है, कंट्री अननोन, सब कुछ अननोन, सब कुछ अनोनमस प्रॉक्सी, खुद ही ये बता रहा है। तो इसके अंदर जितनी चीज़ें आप विजिट करोगे वो सब इस तरीके से आएगी। अब इसके अंदर जो वेबसाइट्स हैं वो सब आती हैं डॉट ऑनियन करके। अब मैं आपको बताता हूँ आप खुद से कैसे एक डॉट ऑनियन का डोमेन बना सकते हो और आपकी खुद की, मतलब खुद के कंप्यूटर में वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। सो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने पड़ेगा अपैचे सर्वर, जो कि मैंने किया हुआ है जैम सर्वर के नाम से। अब जैम वैम को अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप गूगल करिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, ये एक तरह से लोकल होस्ट सर्वर बन जाता है। तो जितने डेवलपर होते हैं वो पहले आपके कंप्यूटर में जो है वो वेबसाइट बनाते हैं और लोकल होस्ट पे वो खुल जाती है, वो वेबसाइट फिर पूरे बनने के बाद सर्वर पे डालते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था होस्टिंग और डोमेन वाले वीडियो में। तो अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे एक पेज आ जाएगा जो कि मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, और इसके ये जो पेज है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फाइल्स में जाऊँगा तो यहाँ पे वो पेज है और इसके अंदर वो पूरी कोडिंग है हेलो वर्ल्ड वाली, और इसके अंदर एक मैंने फाइल्स करके एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन वाली फाइल्स हैं। तो ये अगर मैं वापस से ओपन करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश फाइल्स, सो देखिए वो सारी फाइलें आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो लोकल होस्ट में जो मेरे कंप्यूटर लोकल पे ये फाइल्स रखी हुई हैं इसको आप onion.com में कैसे कन्वर्ट करें और एक खुद का डोमेन कैसे बनाएं और वो वेबसाइट आप पूरी दुनिया में शेयर करें। तो जो भी टॉर के थ्रू वो वेबसाइट खोलेगा ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और आपका कंप्यूटर जो है एज अ वेब सर्वर काम करेगा और पूरी जो चीज़ें हैं एक तरह से वेबसाइट चलेगी, और ये जो वेबसाइट है सिर्फ ऑनियन में ही चलेगी, टॉर में ही चलेगी। सो गाइस, सबसे पहले कहीं भी एक फोल्डर आप बना लीजिए, ये फोल्डर वो नहीं रहेगा जिसके अंदर आपकी फाइल्स रहेंगी, ये सिंपल फोल्डर रहेगा, यहाँ पे आपको डोमेन अलॉटेड होगा। तो यहां पे अपन लिख देते हैं टॉर डोमेन, टॉर डोमेन करके मैंने एक फोल्डर बना लिया है। अब जाना मुझे टॉर ब्राउजर वाले फोल्डर में जो कि बाय डिफॉल्ट आया, उसमें उसके बाद अंदर जाना है ब्राउजर में, उसमें जाना है टॉर ब्राउजर में। सो गाइस, यहां पे एक फाइल आएगी TORC, इसको आपको ओपन करना है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे इसके अंदर आएगी कोडिंग। अब यहां पे 4-5 लाइनें आपको लिखना है जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट सबके लिए बन जाएगी। सो गाइस, जो आपको लाइंस लिखना है वो ये हैं, ये लाइंस आप लिखेंगे तो यहां पे इसको आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो अभी एक फोल्डर बनाया वो कहां है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन चलते हैं फोल्डर पे। तो फोल्डर मैंने बनाया था टॉर ब्राउजर के अंदर, यहां पे ये फोल्डर है, तो इसका पाथ मैं कर लेता हूं कॉपी क्योंकि वो वहां पे मुझे पेस्ट करना है। तो इस पाथ के अंदर आपको डोमेन जो है वो अलॉट हो जाएगा। तो यहां पे मैंने वो पूरा पाथ दे दिया और इसको बता दिया कि बॉस इस पूरे लिंक के अंदर मेरी वेबसाइट है और ये लिंक चलाने के लिए आपको करना है जैम सर्वर इंस्टॉल। तो आपने जैम भी इंस्टॉल कर दिया है। तो आप अगर यही फाइल खोलते हो 127.0.0.1 तो वही चीज खुलेगी जो वहां से लोकल होस्ट पे खुल रही थी। तो अब ये हम साइट खोलेंगे टॉर के अंदर। तो इस तरह जो हैकर्स हैं वो उनकी साइटें होस्ट कर देते हैं, इसको कोई बंद भी नहीं करवा सकता क्योंकि वो उनके लोकल कंप्यूटर पे चल रही, सर्वर पे चल नहीं रही है। अब ये सब करने के बाद ये फाइल को आप कर दो सेव। अब ऑटोमेटिकली जब सेव करोगे आपका टॉर ब्राउजर बंद कर लो। अब वापस से अपन इसको करते हैं ओपन। ओपन यहाँ से होगा ऑटोमेटिकली टॉर ब्राउजर के अंदर, स्टार्ट टॉर ब्राउजर। आप जैसे ही ओपन करेंगे वापस से ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अब जब ये ब्राउजर ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक डोमेन अलॉट हो जाएगा। तो वो देखिए डोमेन मुझे कहाँ अलॉट हुआ है वो अपन देखते हैं। तो यहीं पर आके जो मैंने फोल्डर में नाम दिया था, यहाँ पे देखिए होस्ट नेम करके एक नई फाइल आ गई। इसको मैं एडिट करता हूं तो ऑटोमेटिकली देखिए यहां पे एक डोमेन मुझे मिल गया। ये मेरा डोमेन है ऑनियन रूटिंग का। इसको मैं अगर गूगल क्रोम में खोलूंगा तो नहीं खुलेगा क्योंकि ये सिर्फ टॉर में ही खुलेगा। अभी अपन चलते हैं इसी टॉर में और इस डोमेन को यहां से खोलते हैं। अब ये डोमेन पूरी दुनिया में कोई भी खोलेगा तो आपकी वेबसाइट जो आपने होस्ट करी है वो खुल जाएगी यहां पे VPN के थ्रू। तो इस तरीके से जो हैकर्स हैं वो अलग अलग इलीगल साइट्स बनाते हैं जहां पे ड्रग्स बेचते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें बेचते हैं, तो वो इन वेबसाइटों के थ्रू बेचते हैं और ये वेबसाइटें खुद से बनती हैं और इसको कोई बंद भी नहीं करवा सकता। सो गाइस देखिए ऑटोमेटिकली ये फाइल्स फोल्डर खुल गई। तो अब ये मैं लिंक किसी को भी दूंगा वो टॉर ब्राउजर डाउनलोड करेगा और हमारे घर पे मतलब मेरे कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर तक एक तरह से वेब सर्विस बन गई टॉर के थ्रू। मेरी फाइलें डायरेक्टली वो एक्सेस कर सकता है, मुझे कहीं सर्वर पे स्टोर नहीं करना है। तो यही फायदा उठा के जितने हैकर हैं अलग अलग ऑनियन वेबसाइट्स बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, इसको बंद भी नहीं कर सकते। बंद कैसे होगी, जब मेरा कंप्यूटर बंद होगा खुद से, मैं मेरा कंप्यूटर शट डाउन करूंगा तब ये वेबसाइट बंद होगी। और ये ऐसा ही होता है, कुछ कुछ लोग जो हैं जो FBI वाले हैं ये लोग क्या करते हैं, ये वेबसाइट से बंद करा देते हैं इलीगल, तो वापस नए नाम से आ जाती है। इसलिए ये टॉर कोई बंद नहीं कर सकता और इलीगल चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो गाइस इस तरह जो है वो आप टॉर डाउनलोड करके खुद की वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और लोगों को दे सकते हो, वो फाइलें शेयर कर सकते हो। बट भाई बहुत सारे प्रिकॉशन है, ये मजाक में मतलब जितना इजी मैंने समझा दिया इतना इजी है नहीं। आप अगर किसी फर्जी वेबसाइट पे चले गए तो आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, आप खुद हैक हो सकते हो। तो टॉर के अंदर कभी भी आपकी नेट बैंकिंग वेबसाइट ना खोलें, कभी भी आपकी रियल आइडेंटिटी, रियल GMAIL ID, Facebook ID ना खोलें, क्योंकि जो VPN पीछे यूज हो रहे हैं आपको नहीं पता वो VPN आपकी जो चीज़ें आप एक्सेस कर रहे हो वो सब ट्रैक कर रहे हो, तो उससे आपको बैक ट्रैक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी का अकाउंट हैक करना है, आप टॉर के थ्रू करोगे तो बहुत सारे VPN के थ्रू जाओगे तो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे मैं ये वीडियो बता रहा हूं आप सोचोगे सब कुछ अनॉनमस है, मैं चले जाता हूं हैकिंग कर लेता हूं।
जब आप हैकिंग करोगे ऑटोमेटिकली चीजें पकड़ में आएंगी। और बोला तो ये भी जाता है टॉर जो है वो बना ही इसलिए है कि लोगों को ट्रैक करा जाए, लोगों को पकड़ा जाए, जितनी इलीगल चीजें कर रहे हैं उनके सामने एक दरवाजा खुद से दे दिया जाए कि बेटा यहाँ पे आ जाओ, अंदर मेरे फंस जाओ, जो चीजें करोगे हम आपको वापस पकड़ लेंगे। तो FBI और जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो जो है नजर रखे हुए हैं, रोज वेबसाइट्स बंद होती हैं, रोज वापस वेबसाइट ओनर वापस से वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। बट जितनी वेबसाइट विजिट करो, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऑनियन वेबसाइट आप सर्च करो। पहली बात तो आपको वेबसाइट्स की लिस्ट ही नहीं मिलेगी, लिस्ट ढूंढने के लिए आपको पहले बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, आप लिस्ट ढूंढने के बाद ओपन करोगे फिर अंदर जाके फंसोगे, इसलिए ऐसे कोई इल्लीगल काम ना करो। सारी चीजें सिर्फ समझो, सब कुछ प्रैक्टिकली करना जरूरी नहीं है, नॉलेज होना जरूरी है। कल को कोई आपसे पूछे ये क्या होता है वो क्या होता है तो पता होना चाहिए। तो ये जो पूरा सीन है टॉर का, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। सो घुमा फिरा के इसको सम अप करें तो बात तो ये है, सरफेस वेब जो है वो हम लोग एक्सेस करते हैं जो कि सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो डीप वेब होता है वो ऐसे लिंक्स होते हैं जो सबको नहीं मिलते, और इसी डीप वेब के अंदर एक डार्क वेब होता है जो कि डॉट ऑनियन करके वेबसाइट्स होती हैं जो कि सिर्फ टॉर में चलती हैं, टॉर के नेटवर्क के थ्रू चलती हैं, जो कि इलीगल काम करती हैं क्योंकि इसको कोई बंद ही नहीं करा सकता, बंद कराता है तो अगले दिन फिर नए नाम से आ जाती है। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो डार्क वेब, डीप वेब आप ज्यादा एक्सेस ना करें, टॉर भी एक्सेस ना करें, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट आप ही को हैकिंग करने के लिए बैठी हुई हैं कि बॉस आओ मेरे पास मैं आपको हैक करूंगा। और यहां पर जितने ट्रांजेक्शन होते हैं सारे बिटकॉइन से होते हैं, इससे होते हैं, उससे होते हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी से जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो बैकट्रैक नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। तो मान लो आपने किसी को पैसा दिया कुछ सर्विस के लिए, आपने पैसे भेज दिए, उन्होंने वेबसाइट ही बंद कर दी, पैसा लेके भाग गए, आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी नहीं है। तो ऐसी किसी फर्जी साइटों में ना फंसे, टॉर को एज अ फन ले बट इतना फन ना ले कि आप सोचो कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं आप ही आगे जाके फंसोगे। इसलिए पहले से ही मेरी वार्निंग है कि ऐसी फर्जी वेबसाइटों पर ना जाएं, सिर्फ एज अ टेस्टिंग के लिए यूज करें या फिर सिर्फ नॉलेज के लिए यूज करें। तो ये जो पूरा वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपको असलियत बता दी जाए। जितने लोग आपको डराते हैं इतना डरावना चीजें नहीं है, जितने लोग बोलते हैं डार्क वेब में ये होता है वो होता है, वो होता है, वो उन वेबसाइटों पर होता है, उन वेबसाइटों पर जाना ही क्यों है। हमको सिंपल हमारी चीजें देखना है, हमको कुछ चीजें सर्च करना है तो हम इसके थ्रू करेंगे तो हमारी जो प्राइवेसी है वो बच जाएगी। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर बना ही इसलिए है कि आपकी जो प्राइवेट चीजें हैं आपको प्राइवेसी बचाना है इंटरनेट पे, तो VPN यूज करो या VPN की जगह ऑनियन राउटिंग यूज करो, या खुद का एक ऐसा टॉर का ब्राउजर बना लो बहुत सारे VPN यूज करके, तो वो भी आप कर सकते हो। भैया एक लाइफ है, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, दिमाग लगाओगे सही डायरेक्शन में, वो चीज सही है। ये जो चीज बनी थी ये सही डायरेक्शन के लिए ही बनी थी, बट हैकरों ने, दूसरे लोगों ने इसको गलत डायरेक्शन में ले लिया, क्योंकि इसमें पूरी तरह अनोनमस रहते हो आप, तो आपको कोई देख नहीं सकता, साइटें बंद नहीं कर सकता, कोई इसके ऊपर DMCA नहीं ठोक सकता कि भाई ये कॉपीराइट कंटेंट है आप दिखा कैसे रहे हो। तो इसी का फायदा उठा के ये जो वेबसाइट्स है, डार्क वेब है, ये फर्जी चीजें करती हैं, इलीगल चीजें करती हैं, क्योंकि इनको कोई रोकता नहीं है। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है डीप वेब से, डार्क वेब से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसी तरह और ट्रस्टेड और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के लिए सिड टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।